पीडीएम की तरफ से इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिन्होंने नौजवान की अखलाकियात तबाह कर दी हैं, जनाब बदतमीज़ कर दिया है। मौलाना कहते हैं जी ये देखें, ये तो जनाब वहाँ तितलियाँ होती हैं, पता नहीं क्या होता है, ये है वो है, कभी मुजरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए। अब सरकारी तकरीब में जो कुछ हुआ, और वो भी यौम आज़ादी की तकरीब, सरकारी तकरीब पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे असद महमूद साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, और सामने जनाब जिस तरह से डांस हो रहा था, मैं कुछ नहीं कहता, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जिस तरह इस पर दुख का इजहार किया है, उनका दिल तो नहीं करता कि इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जाए ऐसे मौके पर, लेकिन इस दिन पर, लेकिन उन्होंने कह दिया। अब सदीक जान ये हाल हुआ, और मुझे उसके बाद दुख ये मज़ीद इस चीज़ का हुआ कि फिर ये पता नहीं हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि जी वो पीटीवी की तरफ से कहा जा रहा है, नहीं नहीं देखें ये प्रोपेगेंडा ना करें, ये तो कोई इस तरह से देखें, ये है असल तकरीब, फिर वो नज़र आ रहा है उस तकरीब में हुआ है, सब लोग सामने बैठे हैं। तो अब बजाय इसके कि इस पर एक माजरत की जाए कि जी सलाबजदगान पर हम ये पैसा खर्च कर देते जो हमने इस काम पर लगा दिया। देखिए उसामा भाई, मसला यह है कि मैं तो मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जो आलमे दीन होने का दावा करते हैं, वो पहले कहते रहे कि इमरान खान को यहूदी लेकर आए हैं, इसराइल ने इनको फंडिंग की है, भारत ने इनको फंडिंग की है। ये जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है, इसमें कहीं साबित नहीं हुआ कि इसराइल ने इमरान खान को फंडिंग की हो, यहूदियों ने बाई डिज़ाइन को फंडिंग की हो, भारत की हुकूमत ने, एजेंसीज़ ने, वहाँ की किसी सियासी पार्टी ने इमरान खान को फंडिंग की हो। दूसरा मेरा सवाल यह है कि इमरान खान जो कि बकौल फजल रहमान साहब के एक यहूदी एजेंट हैं, तो इस यहूदी एजेंट ने 3.5 साल इक़्तदार में कोई तो इस्लाम मुखालिफ जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ शरीयत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई तो कानून बनाया होगा ना, तो ये जो इस्लाम के ठेकेदार अब 4 माह से आ गए हैं, तो कौन सा वो कानून था जो यहूदी एजेंट बना कर गया था जिसको उन्होंने ख़त्म किया है। तीसरा मेरा सवाल यह है कि जो यहूदी एजेंट हम पर मुसल्लत था, इस यहूदी एजेंट ने कोई तो एक ऐसा काम होगा ना जो इस्लाम के लिए ज़रूरी था, लेकिन यहूदी एजेंट नहीं कर रहा था और इस इस्लाम के ठेकेदारों ने आगे कर दिया, जो बड़े बहुत बड़े मुसलमान हैं। तो मसला यह है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं, हर लम्हा ये एक्सपोज होते हैं। उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब का एक बयान है कि देखा मेरे भाइयों वहाँ बहनें क्या करने जाती हैं, अभी इन्होंने जिस तरह से पीटीआई की खवातीन के बारे में मुसलसल इन्होंने जो बातें की, लेकिन जिस तरह से आवाम के टैक्स के पैसों से एक तरफ सैलाब, मुझे आज भी एक डॉक्टर साहब का मैसेज आया तौसा से, और आई थिंक डॉक्टर मेहताब उनका नाम था, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, खुदा का वास्ता है आवाज़ बुलंद करें, बताएं यहाँ पर क्या हालात हैं, लोग बह गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही, लोगों के पास खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, पहनने का नहीं है, ये हालात हैं यहाँ पे तौसा में। और बलोचिस्तान आप देख लें, बोल की टीम गई थी, मुदस्सर इकबाल साहब वहां से कवर करके आए हैं, और आप यहाँ पे 75 करोड़ रुपए लगा रहे हैं इन चीज़ों के लिए, आप ये अखलाकियात दे रहे हैं, आप ये चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं कौम को, जो एक दुख और तकलीफ और कर रहे हैं लोग, महंगाई को इससे परेशान है, खुदकुशियां कर रहे हैं। आपने परसों स्टोरी की थी, वो जो एक बाप ने खुदकुशी की थी, और आप यहाँ पे 75 करोड़ इस मुजरे पर लगा रहे हैं, ये आप लोगों की असल औकात है जो आप दिखा रहे हैं, बातें आप दूसरों पे करते हैं, दूसरों की बेटियों के बहनों के ऊपर आप बात करते हैं जो सियासी एक्टिविटीज़ में जाती हैं, और आप खुद यहाँ पर ये कर रहे हैं, और आप दीन के ठेकेदार हैं। उधर सूद के खिलाफ जो फैसला आया शरीयत कोर्ट का, उसको हुकूमत ने चैलेंज किया हुआ है, आज तक उसको वापस नहीं लिया। तो ये एक्सपोज हो रहे हैं उसामा गाजी साहब, हर आने वाले दिन के साथ ये एक्सपोज होंगे, और ये अच्छा ये एक्सपोज हों, और ये कुछ अरसर रहने चाहिए इक़्तदार में, ताकि इनकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी एक्सपोज हों, लोगों को इनका असल चेहरा जो है वो नजर आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।